देखिए थर्ड एसी में भी आंसू लगा रहा है, जबकि हम तो भैया देने वाले नहीं हैं। जो एक नवंबर, अभी 10 दिन बाद दिवाली है, पर आज ही इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब यूपी बिहार जाने के लिए देखिए पूरा एकदम स्टेशन पे तो इतना भीड़ था कि इसमें ब्लॉगिंग करना मुश्किल था। तो हेलो गाइज, तो कैसे आप, सलो सबका वेलकम हमारे नई ब्लॉग में। तो गाइज मैं फिलहाल आ चुका हूँ मऊ जंक्शन पे और अभी टाइम हो रहा है आपका 7:14। और आज का जर्नी काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की जर्नी थर्ड एसी में होने वाला है, वो भी मऊ आनंद विहार सुपर फास्ट ट्रेन में। और आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो आज की जर्नी में पूरा थर्ड एसी का फुल एक्सपीरियंस आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। और चलते हैं गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो भी लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, बगल में आईडी दिया गया है। तो देर ना करते हैं, चलते गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस टाइम हो रहा अभी आपका 7:16 और हम आ चुके हैं मऊ जंक्शन पे और ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा। और अब शेख हमको छोड़ने आया है और आज का जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का जर्नी जो है थर्ड एसी में होगा और अभी ट्रेन में लगने में बहुत टाइम है क्योंकि 8:50 पे यहाँ से मऊ आनंद विहार सुपर फास्ट चलती है जो अभी लगेगी 8 बजे करीब में, अभी टाइम है। तो ये रहा कुछ बाहर मऊ रेलवे स्टेशन का नज़ारा। तो गाइज अपनी ट्रेन अब लगने वाली है 1 नंबर प्लेटफार्म पर और ट्रेन आ चुकी है, तो चलते हैं फटाक से हम भी लोग। अपना कोच होने वाला है 27 साइड लोअर मऊ आनंद विहार सुपर फास्ट एक्सप्रेस। देखिए जनरल वाले लोग दौड़ रहे हैं अभी से, B7 आ रहा है दीपक से के यहाँ पे। तो गाइज अपना जो कोच होने वाला है B7 थर्ड एसी में साइड लोअर सीट, अभी अपनी ट्रेन लग रही है यहाँ पे। कहाँ गया जी B6, ये B7 है। गाइस ट्रेन लग चुका है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है और यहाँ पे देखिए देवे जी वेट कर रहे हैं ट्रेन का, मतलब गेट कब खुले। दरवाज़ा खुला नहीं है पर लोग परेशान हो गए और काफ़ी लोग परेशान है यहाँ पे देखिए। जनरल वाले अपने जाके जल्दी जल्दी सीट बुक करेंगे, जनरल वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हम लोग को खुल चुका है और एसी का टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, तब उसके बाद गेट खुलेगा। यहाँ पे देखिए और हम भी चलते हैं अंदर क्योंकि हम भी चलेंगे दिल्ली। अरे 62 ही है यार। तो चलते हैं गाइस, अपना एंटर करते हैं थर्ड एसी के कोच में और ये है कुछ थर्ड एसी कोच का नज़ारा। और हमारा सीट है आपका साइड लोअर 63 नंबर, यहाँ पे दिया गया है। और देखिए कर्टन भी यहाँ पे दिया गया है और पावर सॉकेट भी एक दिया गया है जो देख सकते हैं, और इधर भी दिया गया है और यहाँ पे हमें भी देख सकते हैं आप लोग। और आज की जर्नी काफ़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलते हैं गाइस, वीडियो को स्टार्ट तो कर ही दिए हैं, बाकी यहाँ पर देखिए यहाँ भी पावर सॉकेट दिया गया है और चादर वेदर जब आएगा तो चीज़ आपको हम दिखाएँगे भी। मिरर भी दिया है, मिरर अभी साफ है आपका। और यहाँ पे हमारा साइड लोअर है जो हमारा फेवरेट सीट है, यहाँ पे हम अपना सामान एडजस्ट कर दिए जो देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये है कुछ कोच का नज़ारा, साफ सफाई अभी 1 नंबर का है, कंडीशन आप देख सकते हैं पूरा। तो जो भी होगा पूरा आपको दिखाएंगे, अभी चलेंगे टॉयलेट के साइड में, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए अरे पानी इसमें आ रहा है एकदम बढ़िया, मिरर का भी कंडीशन सही है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मिरर एकदम पूरा क्लीन है, जिसमें आप हम जूम भी करके दिखा देते हैं आपको, देखिए पूरा साफ दिख रहा है और इसमें भी पानी आपका आ रहा है। अरे हाँ आ रहा है, ठीक है कंडीशन अभी सही है, पूरा नेट क्लीन है। नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि भैया सब कुछ दिखाते हैं, वॉशरूम नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे हैंड वॉश भी आपका है इसमें। तो टाइम तो अभी 7:30 हो रहा है, नहीं 7:34 हो रहा है, चलते हैं अंदर। तो यहाँ का कंडीशन देख लिए, 1 नंबर नो स्मोकिंग इसमें लगा हुआ है, स्मोकिंग नहीं कर सकते आप। तो गाइज टाइम हो गया आपका 8:50 और अपनी मऊ आनंद विहार सुपर फास्ट ट्रेन
यहाँ से निकल चुकी है मऊ से, एक नंबर प्लेटफार्म से एकदम करेक्ट टाइम पे यहाँ से मऊ से अपना ट्रेन निकल चुका है। और गाइस देखिए ट्रेन निकलते ही चैंपरिंग कर दिया गया जस्ट एक मिनट के बाद चैंपरिंग, जैसे स्टार्ट हुआ तैसे चैंपरिंग हो गया। यही होता है, उस बार भी हम जर्नी कर रहे थे, स्टार्ट होते ही दो तीन बार चैंपरिंग मार दिया जाता है। बाकी आज की जर्नी काफ़ी शानदार होगी तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अभी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है जर्नी, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस चैंपरिंग के बाद अपना ट्रेन निकल चुका है मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से और चलते हैं, करते हैं अब जर्नी को स्टार्ट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टेशन पे। और यहाँ पे देखिए टॉवल तकिया मिल गया है और इसमें क्या है, ओढ़ने वाला होगा और बिछाने वाला, साफ सुथरा है कि नहीं वो भी दिखाते हैं। तो गाइस अपना बिस्तर हो चुका है रेडी, इसका पिलो नहीं है, अभी पिलो भैया लेके आ रहे हैं, एक ओढ़ने के लिए दिया गया है और एक बिछाने के लिए भैया ला रहे हैं अभी। और ये देखिए बाहर का नज़ारा तो दिखेगा ही नहीं, तो भैया पिलो लगाते हैं तो इसको लगाया जाता है फटाक से। तो गाइस साथ में एक और कंबल दिया गया मोटा वाला, यहाँ पर ये ब्लैक वाला जो कि एक है ये। तो गाइज अपनी ट्रेन 10:48 पे आ चुकी है जौनपुर जंक्शन पे, जो कि इसका टाइम है यहाँ पे 11:05 पे और यहाँ पे 16 मिनट बिफोर आ चुकी है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 मिनट का पहले से ही स्टॉपेज है। और टाइम देखिए आप 10:48 पे आ गई और भीड़ यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही है। और इससे पहले एक और स्टॉप था क्या बोलते हैं वो और यहाँ जंक्शन जो हम स्किप कर दिए, ये रहा जौनपुर रेलवे स्टेशन, यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज रहा अभी 9:10 और अपनी ट्रेन टुंडला जंक्शन क्रॉस हो चुकी है और मैं तो रात को सो गया था, इतना थका हुआ था क्योंकि कल दिन भर पूरा बहुत ज़्यादा काम था, घर पे पेंटिंग वगैरह चल रहा था तो उसलिए कल दिन भर काम था, तो रात में बहुत जल्दी सो गए तो दो तीन स्टेशन हम कवर नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। बाकी जो भी होगा आपको दिखाएंगे तो वीडियो पूरा देखिएगा। अभी ट्रेन हम लोग की ऑन टाइम चल रही है, स्लो स्लो। थर्ड एसी में भी यहाँ पर पैसा सुना जा रहा है, जो कि हम उस बार भी जर्नी कर रहे थे तो दिखा चुके और इस बार भी वही सिचुएशन है। और सोए सोए इसमें तबीयत पूरा ख़राब हो गया, तबीयत ख़राब कर रहे हैं, मतलब हो चुका हम लोग हाथ रथ सेक्शन पे। देखिए थर्ड एसी में भी आंसू लग जा रहा है, जबकि हम तो भैया देने वाले नहीं हैं, जो होगा देखिए। अब क्या ही इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी होगा। तो गाइस 11:29 पे फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे और चलते हैं अभी यहाँ से बाहर सामान निकालिए। सामान निकालने में इतना ज़्यादा भीड़ लग गया था कि फटाक से निकाला गया जल्दी से। अब चलते हैं यहाँ से बाहर, देखते हैं मेट्रो से ही चला जाएगा क्योंकि बस एक ट्रॉली है, एक बैग है। और ये जर्नी काफ़ी शानदार रही है, आप लोगों को फुल एक्सपीरियंस तो दे भैया देखने के लिए मिला ही, तो किया जाएगा वीडियो को एंड। तो गाइस देख सकते हैं आज आपका डेट है 1 नवंबर, अभी 10 दिन बाद दिवाली है, पर आज ही इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब यूपी बिहार जाने के लिए देखिए पूरा एकदम स्टेशन पे तो इतना भीड़ था कि इसमें ब्लॉगिंग करना मुश्किल था। देख रहे हैं चारों ओर जिधर देखेंगे बस सब लोग, मतलब
दिवाली छठ के लिए गांव ही जा रहे हैं। तो चलते हैं गाइज, करते हैं वीडियो को एंड। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी लोग चैनल पर होंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते हैं इस वीडियो को एंड। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।